हेलो, गुड इवनिंग। और मैं हूँ आशु, तो आशु लाइव पेज पर। और चूंकि यूपी में योगी आ चुके हैं, कल वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो कह सकते हैं कि यूपी में योगी। और ये बात हमारे देश के कुछ महान लोग नहीं पचा पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग इस देश में ये कहते हैं कि हम 20 बच्चे पैदा करेंगे, हम इन 12 या 20 जो भी कहते हैं कि हम 20 बच्चे पैदा करके इस हिंदुस्तान में हमारे कौम की आबादी बढ़ाएंगे और इस देश को हिंदुस्तान नहीं रहने देंगे। तो ये उन लोगों के मुंह पर एक अच्छा वाला तमाचा है। और सुन लो काल खोल के, कि ये देश हिंदुस्तान है और ये देश हिंदुस्तानियों का है, तुम जैसे पाखंडियों का नहीं है, समझे? जो 20 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को किसी और कौम का बना देंगे। सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन सपने वो देखो जो पूरा कर सको। अच्छे सपने देखना बहुत अच्छी बात है, इस देश के बारे में सोचो, ना कि अपनी कौम के बारे में। और अगर कौम की बात सोच रहे हो, तो बताया ना मैंने, ये देश हिंदुस्तान है और ये देश हिंदुस्तानियों का है। अगर बीच में आओगे तो इस तरह से मार खाओगे, समझ में आई बात? सो आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने पर बहुत बधाई। और कुछ लोग कहेंगे कि भगवा की चाल है, कुछ जो भी है यार, अब होते हैं लोगों का काम है सिर्फ बातें बनाना, क्योंकि अब देश थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, कुछ रीति रिवाजों को तोड़ कर नई चीज़ ला रहा है, तो परेशानी होती है। लेकिन फिर भी जिस अच्छे काम में परेशानी ना हो, फिर वो अच्छा काम पूरा करने से क्या मतलब? हर अच्छे काम में परेशानी आती है। आदित्यनाथ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो भी बीच में आएंगे, मतलब बाधा डालने के लिए, उनको वो अच्छे से टैकल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।